हेलो एवरीवन, वेलकम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेम रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि है बोवेन ब्लैंक रिडक्शन। तो ऐसे जैसे इसका नेम बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो हमारे पास आता है कि रिडक्शन होगा कौन, होगा किसका और कौन करवाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन होगा किसका, हमारा एल्डिहाइड का, कीटोन का, या फिर हमारा एस्टर का। कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना, वो रिडक्शन नहीं करवाता, कुछ भी कर लेना, LiLH4 की प्रेजेंस में करवाएगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो इन सब का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन के बाद ये क्या बनाएंगे, हमारा अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। जो एल्डिहाइड है वो हमारा बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन है हमारा वो बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, एंड एस्टर है वो हमारा 1 डिग्री बना सकता है और 2 डिग्री अल्कोहल कुछ भी बना सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है। रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं सोडियम इन C2H5OH, मतलब जो ये है इथेनॉल है। जैसे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, प्रोटॉन सोर्स भी लिखा हो सकता है आपको, या फिर H पॉजिटिव भी लिखा हो सकता है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है, हमने रिएजेंट ले लिया, हमने देख लिया कौन सब्सट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है। अब हम क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखने से पहले हमें ये पता होता है कि जो सोडियम है, जो मेटल है, सोडियम में पता मेटल है, मेटल क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के खुश होते हैं, मतलब दूसरों को देखे खुश होते हैं, ठीक है। मेटल सोडियम में गए, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सोडियम का कितना है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितना बचा इसका, 10, ठीक है। अब हमारे पास हम लेते हैं पहले एल्डिहाइड का केस ले लेते हैं हम। देखो हमें लिखा CH3C OH। अब हम इसे करेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में आपको पता होगा दो एटम है, उनके बीच में बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, फिशर डायरोस हम दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे हुआ, CH3C ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, हमारे पास सोडियम आएगा, सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसको कौन लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, तो क्या बचेगा, CH3 कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था इसके ऊपर, एक इसने दिया सोडियम ने दिया मेटल दिया, तो एक लग गया फ्री रेडिकल, एक और लग गया, और ये दो फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना देंगे, नेगेटिव चार्ज बना देंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाला क्या, C2H5OH, जो कि हमारा इथेनॉल है। अब इथेनॉल है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, एच पॉजिटिव को क्या कर लेगा, ले लेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, CH3 कार्बन के ऊपर OH आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या बचा, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब सोडियम तो हमारे पास ऑलरेडी और भी प्रेजेंट है, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, तो क्या होगा, देखो CH3 सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना अपना, एन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या हमने COH, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक मेटल ने दे दिया, तो एक और आ गया, तो क्या बना, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। अब इसमें तो फर्दर हम क्या डालेंगे, C2H5OH डालेंगे, O के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, ये कार्बन क्या करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, CH3COH, H यहाँ पे क्या आ गया, H, तो हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। और कैसा बना हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से क्या बनेगा, हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जो कि हमारा बन गया, ठीक है। अगर हम कीटोन लेते हैं, तो कीटोन के केस में क्या होता है, देखो कीटोन का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा, CH3C OH, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप ले लो, तो सेम टू सेम मैकेनिज्म होगा, बस जो R है R के प्लेस में हम क्या कर देंगे, सॉरी H के प्लेस में हम क्या कर देंगे, R कर देंगे, R हमारा कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा कीटोन होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा आता है एस्टर का, ये हमें देखना है, ठीक है। एस्टर ही आता है बेसिकली एग्जाम में, तो CH3C OH हमारा क्या है, एस्टर है। इसका फिर से हम क्या करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, एक इसको जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इसको जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, देखो CH3C ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, यहाँ पे क्या है, ONR। अब आएगा क्या, सोडियम आएगा, सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, एक ही है, तो क्या होगा आगे, CH3 ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया, एक ऑलरेडी था, एक और ले लिया, तो क्या बना दिया इन्होंने, नेगेटिव चार्ज बना दिया, कार्बन पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे क्या है, OR। इसके अंदर हम डालेंगे क्या, C2H5OH, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो तुम्हारा बनेगा क्या, CH3 कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर H आ जाएगा, क्योंकि अल्कोहल से उसने एच लिया, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे ONR। देखो लास्ट में हमने ये किया था ना, इसने हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया, ठीक है। अब हम फर्दर क्या करेंगे, इसके अंदर सोडियम ऐड करेंगे, सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के एक इसको दे देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बनेगा, CH3 कार्बन के ऊपर OH, यहाँ पे OR आ गया, यहाँ पे एक ऑलरेडी था, इसने एक और ले लिया, तो ये क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया। फर्दर से हम क्या डालेंगे, C2H5OH डाल दिया हमने, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, H को ले लेगा, यहाँ बनाएगा CH3COH, यहाँ पे बनाएगा OR, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, H ले लिया, ठीक है। ये यहाँ तक स्टेप था बहुत ईजी सा, आप देखते हैं जो होगा वो क्या होगा, मेन स्टेप है जो हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे H है, तो ये क्या करेगा, हमें पता है कि OR है जो हमारा गुड लिविंग ग्रुप नहीं है,
लेकिन ROH जैसे मिथेनॉल है वो हमारा बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो कोई भी रिएक्शन करनी होती है ना उसमें आपको ये देखना होता है कि कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप आप उसको निकाल सको। तो यहाँ से ऐसे करा हमने एरो और ये ऐसे किया, मतलब हाइड्रोजन कैसे एच पॉजिटिव की फॉर्म में चला गया और ओ आर इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, ओ आर नेगेटिव की तरफ चला गया। तो हमारा ये क्या बने आर ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव क्या बना देंगे हमारा माइनस का आर ओ एच हो जाएगा, ठीक है। और सी एच थ्री सी इसका जो नेगेटिव आ गया था क्योंकि एच चला गया था ऑक्सीजन में नेगेटिव आ गया था, हाइड्रोजन पॉजिटिव लेकर चला गया था, मतलब इलेक्ट्रॉन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही रख, ऑक्सीजन में दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही रख लिए थे। तो ये क्या करेगा यहाँ पे नीचे आएगा ना डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे बनेगा एच। अब हमारा क्या बन गया फिर से एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब एल्डिहाइड का जैसे हमने बाकी फिर करवाया था सोडियम डाल के वैसे करवा दो, क्या देगा सोडियम ऐसे देगा ना, तो इसको ऐसे ब्रेक करो। देखो अब मैं सिंपल से सीधा कर रही हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था मतलब नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे एच आ गया। फिर इसमें हम सी टू एच फाइव ओ एच डालेंगे, ये क्या करेगा एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा कार्बन ओ एच एच यहाँ पे रेडिकल, ठीक है। अब हम इसके अंदर फिर से क्या डालेंगे सोडियम डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या करेगा सी एच थ्री सी ओ एच एच यहाँ पे क्या करेगा नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर इसके अंदर हम सी टू एच फाइव ओ एच डाल देंगे वापिस से, तो हमने कहा सी एच थ्री सी ओ एच एच एंड यहाँ पे भी क्या लग गया एच, मतलब क्या बन गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। यहाँ से 2 डिग्री बन सकते 3 डिग्री नहीं बनेगा और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि आपका एस्टर गैस है। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा था जैसे आप करते हैं, बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट याद रखना है जो लीविंग ग्रुप है वो आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आर ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव निकाल दिया तो वापस एल्डिहाइड बन गया और ये फर्दर रिएक्शन जैसे करता हमने वैसे कर लिया। अब आपको एक बात में डाउट होगा कि यहाँ पे जो सी टू एच फाइव नेगेटिव था एच पॉजिटिव था वो बचा तो क्या, सी टू एच फाइव नेगेटिव ओ नेगेटिव बच गया और जो सोडियम था वो एन ए पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो एन ए पॉजिटिव भी हमारा बच गया, इनका तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो ये क्या है देखो आयन से दोनों तो इनमें आयनिक इंटरेक्शन हो जाएगी, तो ये क्या बना देंगे सी टू एच फाइव ओ एन ए ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, तो ये बीच में बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हमारा था ये था हमारी बॉम इंडक्ट रिडक्शन, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ओके थैंक यू।